सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु तेरे पुरुषाया नामी है, जन्म जन्म से संग घूमी, जन्म जन्म से संग घूमी। सतगुरु यही सतनामी है, सतगुरु यही सतनामी है। सतगुरु तो पुरुषाया नामी है, सतगुरु तो पुरुषाया नामी है। नाम भेद के दाता स्वामी, नाम भेद के दाता स्वामी। सतगुरु पुरुषाया नामी है, दाता मेरे युग युगांतर, दाता मेरे युग युगांतर। के तो पूरे नामी है, ये तो पूरे नामी है। सतगुरु तो पुरुष कृष्ण को भेद बतायो, राम कृष्ण को भेद बतायो। ब्रह्म जाल से गुरु छुड़ायो, ब्रह्म जाल से गुरु छुड़ायो। जन्म जन्म के संगी स्वामी, जन्म जन्म के संगी स्वामी। यही मेरे नामी है, यही मेरे नामी है। सतगुरु तो पुरुषाय नामी है, कृष्ण का भेद जो सादे, राम कृष्ण का भेद जो सादे। सतगुरु कृपा न कुछ उसे बादे, सतगुरु कृपा न कुछ उसे बादे। सतगुरु ही तो नामी है, सतगुरु ही पुरुषाय नामी है, सतगुरु ही पुरुषाय नामी है। विदिताय लौकिक ब्रह्मा विषणु, विदिताय लौकिक ब्रह्मा विषणु। शिव भोला वरदानी है, सतगुरु तो पुरुषाय नामी है, सतगुरु तो पुरुषाय नामी है। श्री
साधारो सत गुरु चरण नमी साधारो सत गुरु चरण नमी यही प्रभु सत नामी है यही प्रभु सत नामी है सत गुरु तो पुरुष नामी है सत गुरु तो पुरुष नामी है सत्य गुरु जय गुरुदेव गुरु प्रेमियों युग युगांतर से जब से पृथ्वी बनी और इस झंझरी द्वीप में प्रभु राम का राज्य हुआ, धीरे धीरे जब उनको शंका हो गई कि यहाँ से जीव चले जाएंगे, हमारा देश खाली हो जाएगा, तो उन्होंने विधान बना लिया। विधान बन जाने के बाद 50,000 वर्ष तक सुनाया जाता रहा, 50,000 वर्ष बाद वो लागू कर दिया गया। विधान बन जाने के बाद धीरे धीरे जीवात्माएं जो सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भरो प्राणी वो भूल गए, अपने घर का रास्ता भूल गए और धीरे धीरे भ्रम जाल में विषय वासना में फंसने लगे। केवल उनको क्या रहे, याद रह गया ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहा। राम प्रभु को भी भूल गए, कृष्ण को भी भूल गए और जितने प्रभु थे वो सबको भूल गए, वो सबको भूल गए। लेकिन जब ये जीव बहुत परेशान हुआ, इसने सर्वेश्वर मेरी मदद करो, हाय कोई परम पिता परमेश्वर तो मेरी मदद करो, हाय कोई स्वामी सदगुरु तो मेरी मदद करो, तब जब इस जीव ने इस तरह आवाज लगाई तो उस परम पिता परमेश्वर ने सुना तो वहां से सतपुरुष के रूप में उतर करके सर्वप्रथम समरस संत कबीर साहब बन करके आए इस धराधाम पर, और इस धराधाम पर बताना शुरू किया। बड़ा विरोध हुआ, घना घोर, और उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा ही विरोध करता था। दूसरे को तो जाने दो, उनके घर के अंदर उनका बेटा भी विरोध करता था। तो प्रेमियों उन्होंने बताना शुरू किया कि ये राम है, वो कृष्ण है, ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये शिवपुरी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, आद्या माँ शक्ति है, अष्टांगी देवी। आपने कभी सुना कि कोई कोई कह देता नव दुर्गा, आद्या महाशक्ति देवी? कभी आपने सुना कि अष्टांगी देवी भी है? कभी सुना? जबकि निरंजन भगवान की अर्धांगिनी अष्टांगी देवी ही है ऊपर में, उसके बाद में उनका द्वितीय स्वरूप आद्या महाशक्ति, और उन्हीं को अष्टांगी देवी कह दो, उन्हीं को आद्या महाशक्ति कह लो, लेकिन वास्तव में अलग अलग है। तो प्रेमियों जब सतपुरुष आए, सदगुरु आए, समरस संत कबीर साहब आए, तो उन्होंने सारा भेद खोलना शुरू किया, जीवात्माओं को नाम दान देना शुरू किया। जब खोलना शुरू किया तो उन्होंने स्वर्ग को समझाया, वैकुंठ को समझाया, शिवपुरी ब्रह्मपुरी को समझाया और अद्भुत देशों को समझाया, और उसके बाद में रामपिया को भी बताया, ब्रह्म को भी बताया। ये सब चीजें उन्होंने बताई, बताने के बाद अथक प्रयास किया, अपनी पोथी लिखी पर पोथी नहीं, उनके लिखे हुए छंद हैं, राई को पर्वत करे पर्वत राई मान, उनके छंद हैं। उस छंद के जरिए लोगों को सुनाते तो लोगों को याद रहता। पहले कोई लिखा पढ़ी का दस्तावेज तो था नहीं,
तो इनसे याद, तो इनसे याद, तो इनसे याद, तो इनसे याद, आज उन्हीं कबीर साहब की बातों को गाया जाता है और उनको कभी बताया जाता है। पर प्रेमियों, वो तो सच्चे समरस संत सदगुरु अगर वो नहीं बताते कि वो ईश्वर का धाम, वो ब्रह्म का धाम, वो पार ब्रह्म का धाम, वो महाकाल पुरुष का धाम, वो सद्धाम, अगर विधान वैसे चलता रहता तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे कोई जान पाता नहीं। आद्य महाशक्ति के आगे कोई जान पाता नहीं। केवल भागवत और रामायण होती, रामायण भी नहीं भागवत ही होती, श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में ये बताया जाता कि ब्रह्मा विष्णु के अवतार फला, शिव जी के अवतार फला, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब वो प्रभु आए, उन्होंने भेद खोला तो सबका भेद बताया कि सब यहाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेमियों, आपको भी अचंभा हो रहा होगा कि आज हम नई बात कैसे सुन रहे हैं, पर बात तो ये पुरानी है, कोई नई नहीं है। तो जो युग युगांतर से आया होता है, उस युग युगांतर के भेद को खत्म किया और उन्होंने रास्ता खोला कि अपने घर चलो, फिर से भजन करो, अपने घर चलो। तो भगवान ने, काल भगवान ने मांगन मांगा कि भाई चमत्कार मत दिखला, और बिना चमत्कार के नमस्कार होता नहीं, नहीं। तो कहा ठीक है, हम अपने हिसाब से करेंगे, आपका कोई उस तरह का काम नहीं करेंगे। चमत्कार तो बड़े बड़े दिखलाए कबीर साहब ने, कबीर साहब के बाद में रैदास साहब ने दिखलाए, रैदास साहब के बाद गोस्वामी जी ने दिखलाए, गोस्वामी जी के बाद में राधा स्वामी जी ने दिखलाए, राधा स्वामी जी के बाद में जय गुरुदेव स्वामी जी ने दिखलाए। आगे सतगुरु जय गुरुदेव साहब आए तो सतगुरु जय गुरुदेव नए मानो पोल, नए कपड़े में स्वामी जी महाराज ही है, कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने भी चमत्कार दिखलाया। इस मंदिर में और उस मंदिर में फूल रखे गए सफेद गुलाब के, सुबह सुबह वो गुलाबी गुलाब के फूल हो गए। तो प्रेमियों, जो कुछ करता धरता यहाँ छोटे से देवी देवता चमत्कार दिखला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो जिसका बनाया हुआ सकल पसारा वो क्या नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता। प्रेमियों, हमारी तुम्हारी आयु को बढ़ाने वाले हमारे सद्गुरु गुरु महाराज कि हे प्रभु, अभी हम जाना नहीं चाहते और हमारा समय पूरा हो गया, हम पर दया करो, हम यहाँ रहना चाहते, अभी कुछ दिन आपकी सेवा करेंगे और अभी हम ये चीज देख लेंगे, तब जाएंगे, तब उसका निराकरण तुम्हारे सद्गुरु ने किया। जब वो कहते हैं कि मैं पर्चा ले लूंगा, धर्मराज के जमराज के हाथ से उसको फाड़ दूंगा और तुम्हें जहां चाहूंगा वहां जन्म दिला दूंगा, तो जो पर्चा फाड़ सकता है वो पर्चा फाड़े या ना फाड़े, तुमको जितने दिन चाहे उतने दिन रख सकता है, उतने दिन काम करवा सकता है, उतने दिन तुमको भेद बता सकता है, उतने दिन समझा सकता है। हरी भजन जाने नहीं कोई, हरी भजन जाने नहीं कोई, या पर भरम दसानी, या पर भरम दसानी, जब आए सतगुरु जी कबीरा, जब आए सतगुरु जी कबीरा, खुली ज्ञान की खानी, खुली ज्ञान की खानी, पहले कोई कुछ भी जानता नहीं था। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर भगवान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बात खत्म।
और अब भी उसी तरह जो पंडित जी महाराज है उसी तरह चल रहे हैं। कहेंगे तो रामायण पढ़ करके कि ये चीज ऐसे है, लेकिन बाद में यही कहेंगे कि राम भी विष्णु के अवतार ही हैं, जबकि राम के अवतार राम हैं, विष्णु जी अलग हैं। तो प्रेमियों, समरस संत कबीर साहब आए, उन्होंने खोल खोल करके बतलाया और समझाया, तब लोगों को समझ आने लगा। अब इतना बड़ा संत मत जनमत है, कोई ब्रह्म को मान रहा, कोई अलग फकीरा को मान रहा, कोई पार ब्रह्म को मान रहा, तो कोई महाकाल पुरुष को मान रहा, तो कोई सचखंड को मान रहा, लेकिन अब सारी कणियां अलग अलग हैं और सारी कणियों का भेद है। और पहले इसका भेद नहीं था, ये अभेद था। कौन खोले जब जानकारी नहीं, फिर आए अपने समरस संत सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। सतलोक धाम तक सभी संतों ने गाया, अलख अगम अनाम को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गाया। उससे पहले सतलोक धाम तक। और प्रेमियों, ये धाम क्या है, माया देवी का कहां कहां संचार है, ये तो ऊपर में जाओगे तो आपको पता चलेगा, हमारे बताने समझाने से कोई फायदा नहीं है। माया देवी का काम या शक्ति देवी का काम बहुत बड़ा है। शक्ति ना हो शरीर में, तो अगर शक्ति देवी शरीर में ना हो तो तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा। माया देवी ना हो, पैसा ना हो, तब भी तुम्हारा काम नहीं बने। तो हर चीजों की जरूरत है। वो कहती है कि हमें भी थोड़ा सम्मान दे दो और राम राम भी भज लो। आप कहते नहीं, आपको हम खूटी पर टांगेंगे, इधर ही रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने अयोध्या में यज्ञ किया, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, यहाँ सतयुग आने की घोषणा की। फिर उसके बाद में साबरमती अहमदाबाद पहुंचे, उस तट पर स्वामी जी महाराज ने 33 करोड़ देवी देवता को प्रसन्न किया। छित जल पावक गगन समीरा रह गए। और उसके बाद में वहां उनको प्रसन्न करने के बाद में उन्होंने कहा, हम सारा काम कर देते, कहा ठहर जाओ, उनको समझा लेने दो। फिर वो आए भोलेनाथ की नगरी काशी में, भोलेनाथ को प्रसन्न किया, भोलेनाथ का डमरू बजा। अभी यहां आएंगे लोग थोड़ी देर बाद, उसमें दो चार प्रेमी हैं जो उस यज्ञ में थे, वो बताएंगे कि हमारे सामने डमरू बजा, हम दौड़ रहे थे इधर उधर, तो बाबा जी ने डमरू शंकर भगवान का बजवा दिया, तो महाकाल पुरुष के यहां रहने वाला को भी डमरू वहां बजवाना चाहिए, सारे काम को करना चाहिए। तो बाबा की उपाधि ऐसे कैसे ले रहे हो भाई, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो सब कुछ सोचने वाली बात। बाबा ने कहा हम इस काम को पूरा करेंगे, तो बाबा ही पूरा करेंगे, दूसरा कोई पूरा करने वाला नहीं है। आपको कहा कि आप 50,000 वर्ष तक रहोगे, तो आपको रहना 50,000 वर्ष, किसी दूसरे को नहीं। माना कि यह मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान, यहाँ 100 वर्ष संत महात्मा 120-140 वर्ष तक रह जाते हैं। तो प्रेमियों, अगर उनको परेशान करोगे तो पहले भी उठ करके अलग बैठ सकते हैं और समय से भी बैठ सकते हैं, पर इधर से उठे उधर बैठ गए तो उनके जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। वो कपड़ा किसी भी वक्त बदल सकते हैं, एक नहीं 10 बदल सकते हैं। गुरु महाराज ने कहानी सुनाई तो ऐसे नहीं सुनाई,
कि एक बाबा थे, नदी के किनारे रहते थे, उनका शरीर जर्जर हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था और काम उनके सामने बहुत था। एक दिन वहाँ एक नौजवान का शरीर आया और जब नौजवान का शरीर आया उसका शरीर छूट गया था। बाबा जी ने देखा शरीर बढ़िया है, निर्मल है, पवित्र है, साफ है, अपने शरीर को छोड़ दिया, उसके शरीर में वो प्रवेश कर गए और उठ करके वहाँ से चले गए। तो चले कैसे गए, शरीर को पहले लोग शरीर को रख करके हाथ पैर धोते थे, कुछ और आडंबर करते थे उसके बाद में, तो तब तक बाबा जी उसके अंदर हो गए, हरकत होने लगी। शाम का वक्त था, लोगों ने देखा कहा ये तो हिल डुल रहा, प्रेत बन गया, रे भागो, सारे भाग खड़े हुए। उन्होंने अपना खोला, रसरी फसरी बाबा जी ने, वो बाबा जी चले आए, अपने शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, स्वयं ही व्यवस्था कर दी और अब नया शरीर हो गया। तो ये बताओ, जो जिंदगी मौत देने वाला हो, जो जिंदगी देता हो, मौत से बचाता हो, उसकी मौत और जिंदगी का ठेकेदार कोई है? कोई है? जो बचाता हो, जो देता हो, समझाता हो, सब कुछ करता हो, इस तरह के मानव पोलो रोज बनाता हो और बिगाड़ता हो, उसका कोई ठेकेदार है? आपको समझना चाहिए। समरस संत कबीर साहब आए और जब आए, तो किसी को पता कहा तालाब के पास मिल गए, तो किसी ने कहा कि गंगा की सीढ़ियों पे मिले, और जब गए तो दो गुलाब के फूल मिले, उनका शरीर आखिर कहाँ चला गया? तो बाबा जी आए, कब आए कोई पता नहीं। बाबा जी इस समय कहाँ चले गए? अज्ञातवास में। और कहा अज्ञातवास में जाऊंगा और चाह करके मेरे पास नहीं आ सकते, पर मैं अपना काम पूरा करूंगा। तो प्रेमियों, वो अपना काम पूरा करने आएंगे, समय से आएंगे, तब तक इंतजार करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु आओ संगम होए, सतगुरु आओ संगम होए, होली भी अजब निराली हो, होली भी अजब निराली हो, हो दया मेहर सतगुरु नानी, हो दया मेहर सतगुरु नानी, सतयुगी दया भी आली हो, सतयुगी दया भी आली हो, गट पट खुल जाए क्षण भर में, गट पट खुल जाए क्षण भर में, कोई गट नहीं तो खाली हो, सबको दिखलाए राम पिया, सबको दिखलाए राम पिया, सबके ही घट में दिवाली हो, सबके ही घट में दिवाली हो, सतगुरु की चरण वंदना हो, सतगुरु की चरण वंदना हो, सतगुरु की मेहर ही आली हो, सतगुरु की मेहर ही आली हो, सतगुरु के चरण न बैर सदा, सतगुरु के चरण न बैर सदा,
दर्शन भी पुरुष नामी हो, दर्शन भी पुरुष नामी हो। मैं शीश झुकाऊं न सतगुरु को, मैं शीश झुकाऊं न सतगुरु को। घट में पांच नाम दीना, घट में पांच नाम दीना। संपुट है उसका बहुत बड़ा, संपुट है उसका बहुत बड़ा। सतगुरु ही नाम दिवाली हो, सतगुरु ही नाम दिवाली। सत्य गुरु जय, सत्य गुरु जय।